हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फिर आज हम बनाने वाले एक ड्राइंग, और सॉरी इतने दिनों से हमारे चैनल पर ड्राइंग की और स्केचिंग के वो सब वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो फिर आज हम एक पेंटिंग करने वाले हैं। मैंने एक्रेलिक कलर्स मंगाए, उससे एक अच्छी से पेंटिंग करते हैं, और मैंने सोच लिए कि कौन से पेंटिंग बनाने वाले। तो फिर अथर्व सुनो, एक मेरे लिए अच्छी सी एक मॉडल बनाना, जल्दी से बनाओ, मैं कुछ तो भेज रहा हूँ, और मुझसे बोलना नहीं। कौन है भाई, कौन है? मैं जादू हूँ। हाँ, पर चाहते क्या हो? मैंने बोला ना मेरे लिए एक अच्छे से मॉडल। अच्छा ठीक है, बनाऊंगा। मैं कहा हो? मैं इनविजिबल हूँ। क्या भेजने वाले हो? तो फिर जादू ने भेजा है मुझे मोलेट ले, उसने बोला है कि एक अच्छे से कुछ मॉडल बनाने के लिए। फिर मैं सोच रहा हूँ कि स्मोक फाउंटेन बनाते हैं, कि हमने बहुत, मैं भी इसको पहली बार यूज करूँगा, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा। फिर बनते रही हमें चैनल पर, और कैसे मैं बनाने वाला हूँ शिवलिंग बनाऊँगा स्मोक फाउंटेन का, बताता हूँ मैं आपको कैसे बनाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग आर्ट, मतलब ये बनाने वाले हो। लिखा है कि हाँ हमको वहाँ पर लगे पाउडर लगेगी। अभी जाता हूँ दुकान से पाउडर लेके आता हूँ, दो मिनट रुको मैं आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पाउडर लाई वहाँ पर, यूट्यूब पे मैंने देखी कि उसके लिए अलग पाउडर लगते हैं, दुकान पे नहीं मिली। तो फिर देखते हैं अभी क्या इससे बनता है, कि तो दो दो कंपाउंड से उसको मिक्स करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर व्हाइट और ब्राउन कलर का मिलता है, यहाँ पर वीडियो में वो ब्लैक दिख रहा होगा आपको, पर वो मैं अभी कट करने जा रहा हूँ ना, वो वाइट कलर का है, वो बहुत सॉफ्ट है, और जो ब्लैक कलर का है ना तो बहुत चिपचिपा है, निकालने में मेरा जो कटर है ना वो पूरा है ना, आपको दिख रहा होगा कि पूरा ख़राब हो गया है। अभी इसको अच्छे से बंद करके रखता हूँ मैं। तो फ्रेंड, इन दोनों जो कंपाउंड से दो ब्लैक और वाइट को, इन दोनों को ऐसे पूरा अच्छे से मिक्स करना है, और जब हम मिक्स करेंगे तो फिर हमें ना हमारे हाथ है ना पानी से अच्छे से धो लेने चाहिए, क्योंकि जब हम उसको मिक्स करते तो फिर तब मेरा हमारे हाथ को चिपक जाता है, आपको दिख रहा होगा कि मेरे हाथ को थोड़ा सा चिपक रहा होगा, और मैं बारी बारी में जाके पानी लगा रहा हूँ, तो हम आपके हाथ है ना वो पूरा से चिपक जाएंगे होकले। देखो यह अभी वाइट हो गया है, इसको गोला बनाते हैं अभी जल्दी से, और से पाउडर लेता हूँ। अब मेरे पास डिश पड़ी थी, तो फिर मैं इसका अभी ऐसे करके दबा दूंगा, फिर ऐसे हो गया है। मैं इसको फिर उसको ऐसे बेल दूंगा, लग रहा है फिर भी हम बना के रहेंगे इसके लिए, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं इसे बेंड करने के ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने पानी लगाया, और पानी से हमें हल्के हाथ से उसको साइड से कर देंगे, वो प्लेन हो जाएगा बाजू बाजू से। अब देख सकते हैं पानी की ड्रॉप दिखे होगा आपको, आपको ज़्यादा पानी लगा रहा है, पानी नहीं लगा रहा है उससे क्या हो जाएगा, आपका जो क्ले हो नहीं हो जाएगा। एक साइड को जब तक सूखता है चुकता है तब तक हम यहाँ पर डो बना लेते। मैंने वापस से दोनों को बाहर निकाल लिया है, अभी जल्दी से इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ। मैंने दोनों क्ले को बाजू बाजू में कर लिया है, अभी इन दोनों को गुन के आपको आपको मिलता हूँ दो मिनट। मैंने इन दोनों क्ले को कंबाइन कर दिया है, अभी से डो का शेप दे देता हूँ जल्दी से। तो फिर जो मैंने अभी डो बनाया है ना उसको ऐसे सीधा रखूँगा,
चिपका दूंगा, नहीं तो वो हिलेगा ना, तो फिर हमारा जो शिवलिंग का जो ऊपर का होगा वो गिर जाएगा नीचे, इसलिए मैं उसके बाजू में ऐसे लगा देता हूँ, जल्दी से लगाता हूँ अभी। ऐसे इसे कवर कर दिया है, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ब्रश से मैं ही कर दूंगा, ब्लेंड कर दूंगा कि थोड़ा सा पानी लगा कर इसको ऐसे। दिखेगा नहीं एनीवेज, फिर भी शेप देना है तो फिर मैं आपको शेप देने के बाद मिलता हूँ। आपको पहले इसको ऐसे रोल कर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा बन के हो गया, आपको दिखाता हूँ ऐसे बन के हो गए। अभी इसको पाउडर लगा के सूखने के लिए रखा है मैंने, जो हमारा वो पहले वाला डो था वैसे हो गया, अभी ठीक हो गया है। अभी इसको मैं अभी पिंडा बनाता हूँ, तो फिर चलो। तो फ्रेंड्स हमारे जो पिंडा का जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पर पिंडा आई हो वो बन गया है। अभी मैं इसको बाजू में रख देता हूँ, अभी जो पिंडा है उसको मैं तैयार कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे वो सारे स्ट्रक्चर हो गए, अभी मुझे सिर्फ इनको चिपकाना है। मैं अभी चिपका कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में, जल्दी से। तो फिर मैंने इसको ग्लू लगा के वो सब होने के बाद मैंने अच्छे से इसको सुखाने के लिए रख दिया था। अभी वो अच्छे से स्टिक हो गया है, तो फिर अभी हम इसके ऊपर कलर कर सकते हैं। तो फिर जल्दी से कलर स्टार्ट करते, चलो इसको हम अपने ब्लैक कलर कर देते। मेरा एक्राइक कलर यूज़ कर रहा हूँ। जल प्रवाह हमारा शिवलिंग ब्लैक कलर से हो गया है। बहुत देर लगी इसको करने में, फिर भी जाने दो। अभी यहाँ पर हम व्हाइट कलर कर देते। तो फ्रेंड्स हमारा शिवलिंग बन गया है, अब इसको सूखने के लिए रखते हैं। तो फिर आपको मैं कुछ टाइम स्लैप दिखाता हूँ। शंकरा